हेलो फ्रेंड्स सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं ये एक अभी एनएफओ आया था इस म्यूचुअल फंड का और देखिए इसका नेट असेट वैल्यू केवल तेरह रुपये का है एक साल में रिटर्न की बात करेंगे अट्ठाईस परसेंट का सी और मैक्सिमम देखेंगे पंद्रह का सी और देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर कितना ज़्यादा फ्लक्चुएसन रहता है तो इस चीज़ से आप यूज टू यूज टू रहना श्रेय देवालकर हितेश दास एंड सचिन जैन इसके साथ साथ नितिन अरोरा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं यानी कि ये इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं तीन महीने में देखिए सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट का एबजोल्यूट आया है छः महीने में बाईस परसेंट का एक साल में अट्ठाईस परसेंट का अभी इस म्यूचुअल फंड को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और हालांकि इस हिसाब से अगर चेक करेंगे तो रिटर्न इनका एज कम्पेयर टू कोटक एज कम्पेयर टू कोटक मल्टी कैप उससे कम दिया है बना के अगर लॉन्ग टर्म में किसी बढ़िया मल्टी कैप को देख रहे हैं तो एक बार आपको रिव्यू देखना चाहिए नेपॉन इंडिया के मल्टी कैप को और क्वांट के मल्टी कैप को Risk, के म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया है रहता है एक्सिस फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा था जी हाँ मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ चार हज़ार दो सौ सत्तावन करोड़ का असर्स साइज है भाई साहब एन के अंदर पेल के पैसा डाला लोगों ने एन म्यूचुअल फंड के अंदर लोग समझते हैं जस्ट लाइक आई होता है जिस तरीके से शेयर मार्केट में आई होता है जबकि ऐसा नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर आई की तरह की आपने पैसा डाला हो पैसा डबल हो गया ऐसा नहीं होता है एक्सिस मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे चार करोड़ का साइज है जो पॉइंट का एक्सपेंस रिज्यू है पॉइंट टू टू परसेंट का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं निफ्टी फाइव हंड्रेड मल्टी कैप फिफ्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं कोशिश हमेशा करेंगे कि ग्रोथ प्लान के साथ रहें तीन सौ पैंसठ दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे दस परसेंट से ज्यादा की यूनिट बेच दोगेगी तो इस केस में आपसे एक का अलग से एग्जिट लोड पड़ जाएगा बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है तो देखिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल हेल्थ केयर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कैपिटल गुड्स केमिकल कंज्यूमर स्टेपल्स मेटल्स एंड माइनिंग मटेरियल एनर्जी और इंश्योरेंस ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है शेयर्स की बात करेंगे तो आई बैंक बिरला साफ्ट चोला मंडोलम इन्वेस्टमेंट परसिस्टेंट सिस्टम फिनिक्स मिल बजाज फाइनेंस ट्रेंड लिमिटेड देखिए जब आप मेरे म्यूचुअल फंड के वीडियो को दे रिव्यूज देखते हो तब तो आपको यहाँ पर शेयर्स के बारे में भी पता चलता देखिए इतनी सारी शेयर्स हैं इन्हीं शेयर्स की वजह से आपका पैसा बन रहा है ठीक है और ट्रेंट लिमिटेड सुंदरम फाइनेंस एच डी एफ सी बैंक महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्लू स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इन्फोसिस कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या के आई एम एस के नाम से सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी कंपनी नारायणा हुरदयालिया फोर्टिस हेल्थ केयर मिंडा कॉरपोरेशन ब्रिगेड एंटरप्राइज लार्सन एंड टूब्रो एनआईआई टी टेक्नोलॉजी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट केनिस टेक्नोलॉजी यू एन ओ मंडा सीआई ऑटोमोटिव सेंसरा इंजीनियरिंग टाटा मोटर्स टी वी एस मोटर्स टाटा कंसल्टेंसी जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल बाटा इंडिया एम फैसिस फाइन ऑर्गेनिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पॉलीकैप कैप डीएलएफ गो फैशन सीसीएल प्रोडक्ट मदरसम सुमी वायरिंग कैनफिन होम्स रिलैक्स रिंग रेनबो चिल्ड्रेन मेडिकेयर क्राफ्टमैन ऑटोमेशन मार्टी सुचकी क्रॉम्पटन ग्रीप्स या सी कंज्यूमर के नाम से ये कंपनी आपको दिखेगी सोना बीडब्लू प्रेसिजन फॉर्जिंग्स मिसेज बैक्टर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अल्ट्रा टेक्सीमेंट और वोल्टास लिमिटेड ये कुछ शेयर हैं जहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है देखिए कई सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कैटेगरी से आठ दस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके रख लेते हैं यानी कि अगर किसी को मल्टी कैप पसंद आ गया तो हो सकता है वो आठ म्यूचुअल फंड मल्टी कैप के रखे हो किसी को अगर स्मॉल कैप पसंद आ गया तो पता लगा वो आठ दस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के ही रखे हो मेरे मित्र ऐसा सही नहीं होता है आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तैयार कर रहे हैं यानी कि दस पंद्रह बीस साल के लिए तैयार कर रहे हैं और उससे आप एक्चुअल में कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके चलना चाहिए यानी कि लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर आपको लार्ज कैप पसंद नहीं है थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए थोड़ा सा और एग्रेसिव अगर जाएंगे तो स्मॉल कैप मल्टी कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके के अगर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है साथ ही साथ शेयर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए एग्जाम्पल के तौर पर अभी स्मॉल कैप और मिड कैप का बहुत तेज़ी से समय चल रहा है बहुत तेज़ी से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं वहाँ लार्ज कैप कम दे रहा है तो इस केस में क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलते हो तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव किसी भी डायरेक्शन में देखने को मिले उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर कम देखने को मिलता है तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न कमा के ले जा पाएंगे मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे से पर्सनल बात करनी है तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपको रिप्लाई आ जाएगा आपके पास हर हर महादेव अयपा शरणम हरी शरणम बहुत बहुत धन्यवाद